नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, जो कि है माइग्रेन। माइग्रेन देखने में तो एक सामान्य सरदर्द की तरह ही हमें सुनाई देता है, लेकिन ये सामान्य सरदर्द से काफ़ी अलग है। और किस प्रकार से ये अलग है सामान्य सरदर्द से, ये हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि माइग्रेन को पहचानना है हमें, माइग्रेन क्या है, क्या ये सामान्य सरदर्द है या उससे अलग है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे लक्षणों पर चर्चा करेंगे जो कि ये क्लियर कर देते हैं कि माइग्रेन सामान्य सरदर्द से अलग है और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो सबसे पहला और प्रमुख लक्षण जो माइग्रेन का है, जो कि हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि माइग्रेन का दर्द सर के एक हिस्से को प्रभावित करता है, चाहे वो दाहिनी तरफ हो, चाहे बाईं तरफ हो, या सर के पूरे हिस्से में हमें देखने को मिलता है। लेकिन सामान्यतः ये सिर के एक हिस्से में होने वाला दर्द है, इसलिए इसको हम आधा सीसी का दर्द या अधकपारी का दर्द भी कहते हैं सामान्य भाषा में, जो कि हमारे सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में उसको हम कहते हैं। लेकिन मेडिकली इसको हम माइग्रेन या वन साइडेड हेडेक कहते हैं। तो इस दर्द की सबसे खास बात जो हमने जानी वो ये है कि ये सिर के एक हिस्से में होने वाला दर्द है। अब इसका दूसरा लक्षण जो हम जिससे इसको पहचानते हैं वो ये है कि माइग्रेन के रोगी में सरदर्द होने के कुछ दिनों के पहले या कुछ घंटों के पहले जी मिचलाने की समस्या हमें अक्सर देखने को मिलती है। ये जी मिचलाने का जो लक्षण है, ये माइग्रेन के रोगियों में बड़ा कॉमन होता है कि उन्हें ये शिकायत होती है कि अक्सर उनका जी मिचलाता है, या सरदर्द होने के पहले वो ये इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि उन्हें जी मिचलाने की शिकायत महसूस होती है। और ये जो जी मिचलाना है, ये सरदर्द के साथ में आता है और सरदर्द के साथ ही बना रहता है। और जब ऐसे मरीज को उल्टी हो जाती है तो उसे सरदर्द में आराम मिल जाता है। ये एक बहुत खास लक्षण है माइग्रेन का कि सरदर्द के जो मरीज हैं माइग्रेन के, उनमें उल्टी हो जाने के बाद सरदर्द में आराम मिल जाना। तीसरा जो प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलता है वो ये है कि माइग्रेन के जो रोगी हैं उनमें दिन भर अक्सर बेवजह जमाही आने की शिकायत हमें देखने को मिलती है। वो ये बताते हैं कि अक्सर हमें बिना किसी कारण के जमाही आती रहती है। तो ये भी एक बहुत खास लक्षण है माइग्रेन का कि जिससे ये पता लगता है कि ये माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तीसरा जो हमने एक बहुत खास लक्षण देखा वो ये है कि माइग्रेन के जो रोगी हैं उनमें तेज रोशनी जो है उनको बहुत दिक्कत करती है, और तेज रोशनी में अक्सर उनका ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये भी एक खास लक्षण है माइग्रेन का। और इसी के साथ हमने देखा है कि जो ये दर्द है सर का, ये हमेशा जिस तरफ दर्द होता है, चाहे वो दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो, उस तरफ की आँख जरूर प्रभावित करता है। और उस तरफ की आँख में मरीज ये बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इवन पलक झपकने पर भी उसको दर्द महसूस होता है, और वो चुपचाप आँख बंद करके लेटा रहना पसंद करता है। और उसको ये एक एहसास होता है कि कभी उसकी आँख छोटी हो गई है, या किसी मरीज में हमें ऐसा महसूस होता है कि आँख बड़ी हो गई है, और उस आँख का जो विज़न है वो भी उसको बेहतर महसूस नहीं होता है। और एक और बहुत खास बात जो हमने माइग्रेन के रोगियों में देखी है, ये लक्षण हमें मिलता है कि माइग्रेन के जो रोगी हैं उनमें अक्सर नींद ना आने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये नींद ना आने की समस्या इस माइग्रेन के अटैक्स को, इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये एक बहुत खास बात है कि अगर हमें अक्सर नींद ना आने की समस्या हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भी एक माइग्रेन का लक्षण हो सकता है, या ये एक माइग्रेन अटैक को जन्म दे सकता है। इसलिए इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते या हल्के में नहीं ले सकते कि हमें नींद ना आने की समस्या हो रही है, तो ये एक सामान्य बात है। तो ये तो हमने कुछ लक्षण देखे। उसके अलावा एक और प्रमुख लक्षण हमें देखने को मिलता है कि माइग्रेन के दर्द में अक्सर लोग गर्दन में दर्द की शिकायत भी बताते हैं कि उनको ये ऐसा महसूस होता है कि ये सर का दर्द गर्दन तक महसूस हो रहा है। और ये अक्सर ये दर्द उनको महसूस होता है कि गर्दन घुमाने में या गर्दन को आगे पीछे करने में अकड़न भी महसूस होती है। तो ये हमने लक्षण देखे कि ये कुछ लक्षणों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो दर्द है ये माइग्रेन की कैटेगरी में आता है, और ये सामान्य सरदर्द से अलग है, और हमें उसे एक सामान्य सरदर्द की तरह ना लेकर के हमें उसे हमेशा एक ध्यान से ये देखना चाहिए कि हाँ, अगर ये रोगी हमें इस प्रकार के लक्षण दे रहा है तो क्या ये कहीं माइग्रेन की शुरुआत या माइग्रेन के लक्षण। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये चर्चा किया कि माइग्रेन को कैसे पहचानेंगे, कैसे हम उसको सामान्य सरदर्द से अलग कर सकते हैं, और अब इसी क्रम में हम अगला ये जानते हैं
कि माइग्रेन होने के कारण क्या है या किन कारणों की वजह से माइग्रेन अटैक को बढ़ावा मिलता है, जिसमें सबसे पहला जो कारण हमारी सोसाइटी में हमें मिलता है देखने को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो है तनाव, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा कारण आजकल माइग्रेन के होने का बन रहा है, और ये स्ट्रेस जो है ये हम सभी इससे रोज ही दो चार होते हैं, और ये हर एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करता है, वो चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे ऑफिस गोइंग मेल्स हों, चाहे घर पर रहने वाली महिलाएं हों। आजकल बच्चों पर भी पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है पढ़ाई का, या कंपटीशंस का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि बच्चों में भी उस वजह से आजकल इस तरह के अटैक्स, माइग्रेन्स की समस्याएं देखने को मिलती हैं हम लोगों को। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पुरुषों में भी मिलते हैं लेकिन महिलाओं में ज़्यादा मिलते हैं। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि महिलाओं में हार्मोनल एक्टिविटी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, और ये हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं माइग्रेन से इसका जुड़ाव है, और इस हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से वो चाहे प्रेगनेंसी की दौरान हो, चाहे पीरियड्स के दौरान हो, या और किसी वजह से अगर इस हार्मोनल एक्टिविटी में किसी प्रकार का इम्बैलेंस आता है तो इस प्रकार की कंडीशन में, इस प्रकार की महिलाओं में हम अक्सर माइग्रेन की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ऑफिस गोइंग पुरुषों में भी वर्कलोड के स्ट्रेस की वजह से हमें अक्सर देखने को मिलता है कि शाम को वापस आने के बाद अक्सर सरदर्द की शिकायतें, जी मिसलाने की शिकायतें और इस प्रकार की दिक्कतें जो हैं वो पुरुषों में भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक बहुत प्रमुख कारण आजकल जो माइग्रेन का हमें देखने को मिलता है वो है जंक फूड का प्रयोग। जंक फूड का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये जो फूड जंक फूड है या जो फास्ट फूड है इसका प्रयोग कहीं ना कहीं माइग्रेन को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए इस प्रकार के भोजन से, इस प्रकार के फूड से हमें थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और प्रमुख कारण है कि आजकल हम लोगों का जो स्लीप पैटर्न है, जो हमारा नींद का समय है, जो नींद का तरीका है वो बदल गया है, क्योंकि हमें नॉर्मली नॉर्मल कोर्स में लगभग 7 घंटे की नींद हमें चाहिए, और अगर हमें नींद की जो हमारी मात्रा है अगर वो पर्याप्त नहीं है तो वो भी हमारे शरीर में एक प्रकार का तनाव पैदा करती है, हमारे नर्वस सिस्टम एक प्रकार का तनाव पैदा करती है, और जिस वजह से इस प्रकार की जो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं जैसे माइग्रेन है इसको जन्म देती है। तो इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में नींद की अगर कमी है तो इस प्रकार के अटैक्स, इस प्रकार की समस्याएं ऐसे लोगों में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक और बहुत प्रमुख कारण जो माइग्रेन का हमें देखने को मिलता है वो यह है कि अगर हम तेज शोर वाली जगहों पर रहते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या इस प्रकार की सोसाइटीज़ में या इस प्रकार की जगहों पर हम रहते हैं, या हमारा कार्यस्थल है जहां पर बहुत ज़्यादा शोरगुल है, जहां पर बहुत ज़्यादा घड़ियों के हॉर्न या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वहां पर मिलती हैं, तो इस प्रकार के शोरगुल वाले माहौल में रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी इस प्रकार के सरदर्द की समस्याएँ बड़ी कॉमन हैं, बड़ी आम हैं। उसके अलावा एक और जो कारण हम देखते हैं कि जिसमें जो भी एक कारण माइग्रेन के लिए एक बनता है कारण, वो यह है कि तेज रोशनी वाली जगहों पर काम करना। तेज रोशनी वाली जगहों पर काम करने से मतलब है कि जैसे हम ज़्यादा देर तक मोबाइल का प्रयोग करें तेज रोशनी में, या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं, या रात में लेट नाइट में अंधेरे में तेज रोशनी पर काम कर रहे हैं, या ऐसी जगहों पर हमारी नौकरी है या हमारा काम है जहाँ पर तेज रोशनी या इस प्रकार की स्पार्क्स वगैरह का प्रयोग होता है, ऐसे लोगों में भी माइग्रेन की समस्या हमें देखने को मिलती है। एक और प्रमुख कारण हमें माइग्रेन का जो देखने को मिलता है वो ये है कि जिन लोगों में हाइपर एसिडिटी की समस्या है, जिन लोगों में मुंह में खट्टा पानी आने की शिकायत है, या जिन लोगों में एसिडिटी की समस्या है, उन लोगों में भी ये माइग्रेन की समस्या बड़ी खास तौर पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि हाइपर एसिडिटी भी माइग्रेन को होने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। उसके अलावा एक और समस्या कारण जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा देर तक खाली पेट रहते हैं और जिन लोगों की जो फूडिंग हैबिट है वो ठीक नहीं है, कि एक समय उन्होंने नाश्ता किया उसके बाद सेकंड जो उनका मील है वो काफ़ी देर के बाद है, तो उस गैप की वजह से भी शरीर में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं या इस प्रकार की गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं, जिनकी वजह से भी जो है वो माइग्रेन अटैक्स को मदद मिलती है या माइग्रेन अटैक्स को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए समय समय पर कुछ ना कुछ हमें खाते रहना चाहिए, खासतौर पर महिलाओं में जिनमें इस प्रकार के अटैक्स मिलते हैं, माइग्रेन के अटैक्स मिलते हैं। और उसके अलावा एक और मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है या हम सभी अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में परफ्यूम्स का, डियोज़ का और इस तरह की चीज़ों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो ये जो परफ्यूम्स या जो इस तरह की चीज़ें हैं ये कॉस्मेटिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये जो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की एलर्जी को जन्म दे रही हैं, और ये जो एलर्जी है या जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वाली चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं माइग्रेन अटैक को बढ़ावा देती हैं, या जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उन लोगों में ये चीज़ें दिक्कत पैदा करती हैं या उसमें माइग्रेन अटैक को ट्रिगर करती हैं। ट्रिगर मतलब हो गया कि वो इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग करने से माइग्रेन अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीज़ों से भी माइग्रेन के जो लोग पीड़ित हैं उनको बचना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ों से, परफ्यूम से, इस प्रकार की चीज़ों को लगाने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, ये कुछ प्रमुख कारण हम लोगों ने देखे जिनमें कि हम ये कह सकते हैं कि ये कारण जो हैं वो माइग्रेन अटैक को बढ़ावा देते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जन्म देते हैं, इनकी वजह से ही माइग्रेन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइग्रेन अटैक से अगर आदमी पीड़ित है तो माइग्रेन अटैक्स को बढ़ाने में इन सारी चीज़ों का, चाहे वो हाइपरएसिडिटी हो, चाहे वो खाली पेट रहना हो ज़्यादा देर, चाहे वो तेज़ रोशनी हो, चाहे वो हार्मोनल एक्टिविटी हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, तो इन सारी चीज़ों में हमने देखा है कि ये सारे कारण कहीं ना कहीं एक प्रमुख जो उसका रोल है वो अदा